अबे क्या था मैं, अभी निकलो निकलो जल्दी निकलो। घर में अगर कोई किसी का भी तबीयत, हाँ, हम कहते हैं कि बच्चे का तबीयत या बच्चे के बाप का तबीयत, किसी का भी तबीयत खराब हो, हाँ, उसके पापा माँ, हाँ, नदी में नहा के इधर आते, गमछा मतलब धोती लगा के बने भींगे कपड़े में, हाँ, खड़े होके यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं माँ से भीख, तो सही हो जाता है। सुन, अगर अंदर में मसाला पीसने का आवाज आया बाहर, तो सोच लो वो क्योर, मतलब ये दरवाजा खुलता ही नहीं है, अंदर कोई है, कोई भी नहीं है, लेकिन पूजा होता था, मतलब कुलदेव भी अंदर है, मैं यही बोल रहा हूँ, समझ जाता था सब लोग। वो मसाला पीसने का आवाज आने के बाद ही, हाँ, वो जाओ तुम घर में देखो, धीरे 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 वो क्योर हो जाओ। ओ भाई, ये जगह भाई बहुत ही अच्छा है। और आज के जमाने में लड़के लोग, हम लोग कहते हैं कि भगवान नहीं, भगवान नहीं है, ऐसा विश्वास ही नहीं करते सब लोग, लेकिन वो मेरी चाची है, ऊपर से देख रही है, देखिए भाई, वो मेरी चाची है। सो गाइस, देख सकते हो आज के जमाने में कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन ये ओरिजिनल में है, इन लोगों ने देखा है, सुना, ये हाँ सुना है, देखा है, जो भी है, लेकिन सब लोग विश्वास करते तो कुछ तो होगा ना, ऐसे ही नहीं सब लोग उल्टा सीधा बोल। ये मेरी कुलदेवी की लकड़ी है, आज तक ये कुछ भी नहीं हुआ। ओ भाई, सो गाइस, देख सकते हो 200 साल पुराना लकड़ी रहता है क्या? नहीं 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 रहता, 200 साल पुराना रहता है क्या? सोच लो क्या। ये भी देखिए भाई, ये भी देखिए, बोल रहे कि 200 साल का लकड़ी अभी भी है, मतलब समझ सकते हो कि कुछ तो बात है, ऐसे तो नहीं रहता ना, कुछ तो बात होगा तभी तो रहेगा ना। 200 साल का लकड़ी, आप घर में एक लकड़ी लेके आना, आप 10 साल रखना, देखना एकदम फालतू हो जाएगा, लेकिन 200 साल से एक लकड़ी है, 200 साल से एक लकड़ी है, मतलब समझ रहे हो, 200 साल थोड़ा नहीं होता। दो उधर, हाँ, जैसे अंधेरा रात में रहता है, हाँ, इसी तरीके से अंधेरा रहता था, इधर पूरा नाम है, आधार कुठली नाम है उसका, पूरा डार्क था, ऐसे ही था, दिन में भी अंधेरा था, दिन में भी जाने में डर लगता ना, এখন তো না হয় আছে কিন্তু তখন বলি, দেখলাম আমরা জায়গাটা, অবশ্য খুব সুন্দর লাগলো জায়গাটা ভাই, দেখ সকতো রাস্তা তো হাত ধরে পাঁচ ছয় মিল রাস্তা এই রকম করতে করতে, আপনার ঘর ইধারে না भाई, देख सकते हो ये लोग बचपन से आए, और कोई मनगरन कहानी नहीं, ये कहानी भी ये सच है भाई, और ऐसा अलौकिक घटना ना यहाँ पे घटता रहता था, तो सब लोग देख, सब लोग इसीलिए बता रहे हैं सब कुछ, समझ रहे हो ना। सो भाई, हाँ भाई भाई भाई, हिंदी में बात कीजिए, हिंदी बोलो, चैनल में नहीं आता प्लीज सब्सक्राइब करो, चैनल में आओ और सब्सक्राइब करो उसको, तगड़ा चैनल है, और यहाँ ऐसे ही हम लोग ब्लॉग लाते रहते, और बहुत ही ज्यादा मंदिर घूमते, केटीएम रोक जब सर्च कीजिए, मैं गाड़ी से ब्लॉग करता हूँ, लेकिन आज गाड़ी नहीं लाया, मतलब मेरा वेस्ट बंगाल में घर है, और झारखंड है ना, तो प्रॉब्लम के लिए लड्डू गोपाल है, राजबाड़ी आ जाना, लास्ट वाला घर, ओके, वहाँ पे लड्डू गोपाल, ओके ओके, अगर अभी सैन नहीं होगा, ओके, तुमको दर्शन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस, यहाँ से आ रहे थे, और देख सकते हो ये राजबाड़ी का रथ है, और ये रथ है, देख रहे हो ना, ये राजबाड़ी का रथ है, बहुत बड़ा है भाई, रथ निकलता है यहाँ से, संजात्रा जब होता है ना तब रथ निकलता है भाई। हिंदी बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल का लड़का हूँ, मुझसे बात का बंगाली बहुत अच्छा आता है मुझे, ठीक है जी, देखो हमारा, अभी बांग्ला बोलते बड़ी तरह ना, अगर आप बंगाली में भी वीडियो देखना चाहते हो तो बोल देना, मैं बंगाली का भी चैलेंज लाऊंगा, ठीक है, ब्लॉग चैलेंज, तो देख सकते हो ये रथ है, ठीक है, ये रथ मैं पूरा घूम के दिखा देता हूँ, ये राजा महाराजा का रथ, सो गाइस ओपी लग रहा है। तो गाइस, ये रामचंद्र का मंदिर है, ठीक है, और ये राजबाड़ी का ही मंदिर है, देख सकते हो, ये वाला देख लो पहले आप लोग, फिर मैं दिखाता हूँ, हाँ सब कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये वाला सीन देख लो, और अंदर मंदिर है, वहाँ पे अंदर में मंदिर है, तो दिखाता हूँ पहले, ये वाला सीन देख लो आप लोग। सो गाइस, बहुत ही अच्छा सीन है, तो देख सकते हो गाइस, ओह माय गॉड, शिव का मंदिर है ये, भोलेनाथ रहता है इधर, ये देख सकते हो, इधर हमारे भोले बाबा रहते, तो अंदर में तो दिखा नहीं सकते हम लोग, पूरा काला हो गया, ये देखो ये भोलेनाथ है, ये भोलेनाथ का मंदिर है। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, ये भी एक दूसरा भाले भोलेनाथ का मंदिर है, तीन मंदिर है, एक ही जैसे तीन मंदिर है इधर, ठीक है, तीनों में ही भोलेनाथ रहते हैं हमारे, आधा जगत जो होता है ना,
ये देखिए भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय हो बाबा भोलेनाथ। ये देखो ये मंदिर कौन सा है? राम सीता का मंदिर है, और मदनमन है, राधिका है, राधिका है। पर यहाँ का भगवान हमारे जाजीगंज में ही है ना, जो विद्या माता मंदिर है, देख सकते हो गाइस। पुराना है, 500 साल पुराना। हाँ, 500 साल पुराना। मुझे तो गाइस देख ही सकते हो आप लोग, पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कौन है? लेता हूँ लेता हूँ, पहले मंदिर तो दिखा दे। ये वाला देख लो गाइस, ओ माय गॉड, ये वाला बंद है। यहाँ पे राम मंदिर है, ये वाला राम मंदिर है, तो ये बंद है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, जय श्री राम, ठीक है। प्रणाम कर लेते पहले तो हम लोग, ठीक है। तो देख सकते हो ये राम मंदिर है, और गाइस ये है राम मंदिर, बंद है। लेकिन बोला अभी भी कि यहाँ पे घुस तो सकते हो, लेकिन अभी दरवाज़ा नहीं खोल सकते क्योंकि राम मंदिर बंद है। थोड़ी देर बाद राम मंदिर खुलेगा, तो अब तब भी 5 minutes later। अभी सही से देखो, मैंने जूम कर लिया थोड़ा सा। ये देखो भगवान राम और माता सीता, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। मंदिर राजबाड़ी का राम मंदिर, ओ माई गॉड, मैंने जिंदगी में नहीं देखा था, कुछ बोलो। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो कोई भी जो भी अभी तक वीडियो देख रहा हो गाइज, राम भगवान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सपोर्ट कर लेना। ऐसा वीडियो बहुत सारा लाऊंगा, चिंता मत करो, ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा ना कि आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा। तो गाइज यहाँ से चलते बाहर की तरफ, बापुन भैया बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी बंद रखते हैं, बाहर जाकर फिर से शूट कर दे रहे। अभी भी शिव मंदिर ये वाला दिखा रहा था ना आपको, तो यहाँ पे एक अच्छी सी चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी बहुत सारा जगह घूम के ये वाला देखा, देखो। नहीं, काली है भाई, माँ काली है शायद, देख सकते हो गाइस। इधर से शायद इधर से नदी से स्नान करके आके यहाँ पे पूजा करते हैं सब लोग। ओ भाई मैंने देखा ही नहीं भाई, घूमते घूमते। ये देखो भाई, ओ माय गॉड, देख सकते हो कहाँ पे काली मंदिर है, पता नहीं कौन सा, ये राजवाड़ी का ही काली है शायद, लेकिन पता नहीं कौन सा काली है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं देखो वहाँ से घूम रहा था, ये दिखेगा ही नहीं आपको, अगर यहाँ पे आओगे ना ये मंदिर आपको दिखेगा ही नहीं, ये काली मंदिर आपको दिखेगा ही नहीं। वहाँ से मैं आ रहा था, पता नहीं एकदम से नज़र पड़ गया, और वो भी जंगल के अंदर नज़र पड़ा। ये देख सकते हो पूरा जंगल है, देखा आप लोगों ने, और ये वाला मंदिर था, और मैंने थपाक से देख लिया। ओ भाई देख सकते हो, प्रणाम कर लेते, चलो पहले प्रणाम कर लेते, क्योंकि माँ ने मुझे दर्शन देने के लिए ही दिखाया, किसी के मतलब नज़र में नहीं आएगा, ऐसी जगह में है ये, देख सकते हो। इधर नदी है, मैं पहले नदी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो मन्नत मांगना पड़ता है साथ, इस नदी में उतर के ही मन्नत मांगना पड़ता है। देखो मैं नदी दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो ये देख सकते हो भाई, महाकाली का नदी। सो गाइस महाकाली का मंदिर का नदी भाई, पानी बह रहा है, देख सकते हो ये गंगा नदी की तरह लग रहा है, पूरा जो है गंगा नदी लग रहा है ये वाला। ओ भाई पानी बह रहा है, देखो एक बार, ओ माय गॉड, ओ भाई क्या ही तो नज़ारा है भाई, ऐसा नज़ारा मैंने देखा ही नहीं था गाइस। और यहाँ पे ही शायद से नहा के मन्नत मांगना पड़ता है, चलो काली मंदिर ऊपर है, जाके फिर से वीडियो शूट करते हैं। 3 hours later गाइस बहुत ज़्यादा थक गया, फिर से नीचे से मैं ऊपर आ गया, देख सकते हो वहाँ से फिर से ऊपर आया गाइस, मंदिर आया, और बापुन भैया को मोबाइल पकड़ाते हैं, चलो हम लोगों को प्रणाम करना है। बापुन भैया मोबाइल पकड़ो भैया, एक अच्छा सा थोड़ा सा प्रणाम कर दे, थोड़ा पास में आओ। गाइस देख सकते हो मैं बाहर आ चुका हूँ, और ये वो वाला बागान है, ठीक है, बगीचा है, तो मैं बाहर आ चुका हूँ, और मम्मी ने फ़ोन किया था, तो ज़्यादा वीडियो अभी तो नहीं होगा, लेकिन होगा अभी थोड़ा सा होगा, तो देखते रहो वीडियो, और थोड़ा सा ही करके यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मम्मी ने फ़ोन किया था, पापा ने भी फ़ोन किया था, और बहुत देर हो चुकी है यहाँ पर आते हुए, अभी शायद से 2-3 बज चुके, और मंदिर ये देखो वो वाला मंदिर हम घुस रहे हैं, और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और फिर
घर जाएंगे क्योंकि बहुत देर हो गया, मम्मी बुला रहा है तब से फ़ोन कर रहा है। ठीक है, तो अभी वीडियो बंद करते हैं, बाहर साइड जाके वीडियो फिर चालू करते हैं। ठीक है, तो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं हो तो लाइक भी कर देना, और एक कमेंट अगर कर सके तो कर देना, उसमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, कहाँ पर चाहिए ये भी बोल देना, मैं करने की पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो बाहर जाके वहाँ से बाहर जाके फिर से स्टार्ट करते हैं। A few moments later. So guys, मम्मी ने फोन किया था तो बहुत देर हो चुका है, तो घर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत देर हो चुका है तो हम लोग घर जा रहे हैं, और अभी ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, देख सकते हो बंदा भी है इधर, तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते, और बाहर जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग घर जा रहे हैं और बहुत टाइम हो चुका है और अभी घर जा रहे हैं। ठीक है, तो हाथ में पूरा लग गया भाई, ओ माय गॉड, ओ भाई पूरा हाथ में लग चुका है तू भाई साले। अरे बापन भैया, अरे उधर क्या था भाई, कुछ नहीं मालूम था मुझे, अरे कुछ धक्का लगा था मुझे, धक्का मुझे भी लगा अभी भाई, देखा अरे कुछ दौड़ के गया मुझे, मुझे भी मत भाई, देख सकते बहुत कट गया, जल्दी जल्दी निकलो भाई घर से, जल्दी निकलो, भूत भूत है। सो गाइस, देख सकते उधर से हम मतलब बाहर आ रहे थे हम लोग कि घर जाएंगे, तो भाई कोई दौड़ के आया और बापून भैया को और मेरे को तो इतना धक्का लगा, पता नहीं कोई तो धक्का मार के चला गया, पता नहीं भाई कोई तो दिखा भी नहीं था वो, भाई देख सकते हो लगा है बहुत। बापन दा हाथ पूरा केटे फेल देखियो लेवल मुले के मन आमी हाथ ची बुझला के लो मने धक्का लेके चले गेलो मने लो।